लेकिन ये बात कही जा रही है कि हम फिर वापस आएंगे, इतना आसान है? आसान तो तब नहीं लगता जब हमने करके दिखाया ना होता। जब प्रमाण दे दिया है तो अब भी शंका है, प्रमाण के बाद शंका नहीं रहती मित्र। लेकिन इतना जरूर है कि एक बार सरकार के उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे, सरकार ने जो वादे किए हैं उनकी समीक्षा होगी 15 जनवरी, और SKM के सारे पदाधिकारी बैठेंगे और समीक्षा के बाद फिर डिसीजन हमारा SKM लेगा कि हमें करना क्या है। हाँ, अगर आने की ज़रूरत पड़ी तो आएंगे, बार बार आएंगे। और किसानों की समस्याओं का समाधान तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे खेती करते हैं हम, उस तरह समस्याएँ भी पैदा होती हैं, तो चलता रहेगा संघर्ष, तो चलता रहेगा बिल्कुल। लेकिन जो लड़ाई MSP को लेकर शुरू हुई थी, 3 कानून MSP, 2 बड़े बिंदु थे, उस पर सवाल यही उठ रहा है कि MSP पे क्यों आपने छूट दी या दब गए या पीछे हट गए? ये तीनों शब्द उचित नहीं है। नहीं, जो लोग लिख रहे हैं उसकी बात है। मैं वही कह रहा, जो आपने प्रश्न किया वो आप अपने तरफ से कर रहे हैं या लिखा होगा पढ़ रहे हैं, वो तो हमारा विषय नहीं है। ये तीनों शब्द उचित नहीं है। उचित ये है, MSP का हम लोग भी जानते हैं, बड़ा टेक्निकल विषय है, बड़ा विषय है। MSP पे एक झटके में कानून नहीं बन सकता है, इस पर बड़ी तैयारी की ज़रूरत है, बड़े अध्ययन की ज़रूरत है। बड़ा देश है, कई किस्म की जलवायु हैं, कई हज़ारों किस्म की फसलें पैदा होती हैं, और बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक हम लोग चाह रहे थे कि MSP पे कानून बने और एक कमेटी बने जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयारी करे, तो वो कमेटी बनी है। कानून किस तरह का होगा, किस तरह का उसका प्रारूप होगा, किस तरह वो इम्प्लीमेंट होगा, वो सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए कमेटी बनी है, उसमें हम लोग भी हैं, SKM भी है, तो कमेटी बनी। खुश हैं आप लोग इस फैसले से? हाँ, जो भी पंच फैसला कर दें, हम गांव देहात के रहने वाले किसान लोग हैं, पंचायत को मानने वाले लोग हैं, अगर हमने 5 पंच को नियुक्त किया और जो फैसला हो गया बैठ करके, वो फैसला होता है। जब किसी कानून वापस लिया गया उसके बाद राकेश टिकैत जी का एक आह्वान था कि किसी भी कीमत पर MSP पे हमें कानून चाहिए, संविधान चाहिए, लेकिन वो पीछे हटते दिखे और सरकार के चंगुल में फंसते दिखे, या सरकारों से मिली भगत है या कुछ और बात है? तो शब्दों का चयन ठीक नहीं है, सरकार के चंगुल में फंसने में ऐसी बात ना करो। आप तो दबाव तो लग रहा है, दबाव तो लग रहा है ना? नहीं नहीं, दबाव नहीं है, चाहे पंचों का ही हो ना सर, ना दबाव नहीं है, दबाव नहीं, हम बता रहा हूँ। आप लोग अधूरी बात कह रहे हैं, टिकैत साहब ने कहा कि MSP पे कानून बनना चाहिए, और ये भी कहा कि कमेटी बने, जो इस बात कमेटी बनने की तो कभी बात ही नहीं की। आप अपने, अगर आपने जेबन से हमारे साथ हैं तो अपने वीडियो रिव्यू करिए, और अगर नए नए आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ये मेरे साथी कुछ हैं, अच्छा, ये जानते हैं इस बात को। जादव साहब पहले कहते थे कि कानून बना लो उसके बाद कमेटी का गठन होता रहेगा। हाँ, पहले कानून की मांग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों की मांग थी। लेकिन ऐसा है, जब बैठते हैं, और ये भी बात थी कि एक बार बैठे, बैठ के बात करेंगे तो मामले सुलझेंगे। बैठे बैठ करके बात हुई, उस चीज़ों को समझा गया, तो उचित ये लगा कि इस पर एक कमेटी बनना बहुत ज़रूरी है। हमें देश भर के किसानों को देखना है, अगर एक जैसा कानून हम बना देंगे और वो, तो फिर वो कानून तो कानून एक जैसा इम्प्लीमेंट होगा, तो पूरे देश की जब परिस्थिति के सामने देश के रखे, तो हम लोगों ने ये भी फैसला किया, सारे देश के किसान संगठनों से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस पर कमेटी ही बेटर विकल्प है। इसके बावजूद भी हमारी घोषणा है कि MSP की लड़ाई अभी अधूरी है, ये लड़ाई हम लड़ेंगे, यहाँ बात करो। भरोसा बड़ी जल्दी कर लिया हमने सरकार का। नहीं, भरोसा हमने कहा, 1 साल भी तो हो गई। नहीं, अब आके लास्ट में देखो, भरोसा तो करना पड़ता है कभी, तो किसी में बगैर भरोसे के। हमें भरोसा है कि ये रोड जो है बिल्कुल मजबूत है, ढहेगा नहीं, इसलिए हम खड़े हैं, और हमें ये भरोसा हो जाए कि कभी भी गिर सकता है, तो ना आप यहाँ होंगे ना हम होंगे। भरोसा तो करना पड़ता है ज़िंदगी में। जादव साहब, आपने जिक्र किया कि हम पंचायत वाले लोग हैं, तो इस दबाव में मानना पड़ गया ना? नहीं, पंचायत कभी दबाव में नहीं होती, पंच फैसला परमात्मा का फैसला होता है, न्याय संगत फैसला होता है, और जब पंचायत बैठती है तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से नज़दीक आने वाली बात होती है। जैसे सरकार ने कहा कि 3 कानून वापस लेंगे, हम लोगों ने तुरंत 27 तारीख का जो संसद मार्च था उसको हमने कैंसिल किया, उन्होंने जब संसद में जाकर रिपील किया तो हमने और अगले कार्यक्रम अपने कैंसिल किए, तो ऐसा नहीं होता, नज़दीक आना पड़ता है। सर, आप लोगों की इच्छा नहीं थी इस मोड़ पर आंदोलन खत्म? ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, आंदोलन खत्म होने का सही वक्त था और सही स्टेज पर सारी बातें मानी गई रखी गई हैं, और फिर भी हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आंदोलन को स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया। क्या सर आपको ऐसा नहीं लगता कि MSP पर आप अकेले पड़ गए, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में पहले से MSP दिया जा रहा था और वो खास मांग MSP पर नहीं अड़े थे, लेकिन राकेश टिकैत जी का खासा प्रभाव था MSP पर कि वो MSP होने ही चाहिए, क्या अकेले पड़ गए इसलिए आप अपने बात को वापस ले लिए? बिल्कुल अकेले नहीं पड़े हैं, कतई अकेले नहीं पड़े हैं,
आपको ये बहुत मजबूती के साथ बता दें, आपको जानकारी होगी, पंजाब और हरियाणा इस पर ज़्यादा एडामेंट थे क्योंकि उन्हें भरोसा ये लग रहा था कि आगे चल करके MSP ख़त्म होने वाली है। आप समझ गए पहले बात, तो वो ज़्यादा इस पर एडामेंट थे, जो फ़ायदा ले लेता उसको चस्का ज़्यादा लग जाता है। लेकिन यही टिकैत साहब की बात और हमारी बात, MSP का कानून पूरे देश में प्रभावी होने को बन रहा था, वो हिमाचल में सेब की खेती पर भी होता, वो केरल में नारियल की खेती पर भी होता, तो सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं, समझना पड़ती हैं कि क्या सिस्टम सही है। तो बैठ कर के जो हम लोगों ने डिसाइड किया वो यही किया कि एक कमेटी बने, कानून ऐसा बने जिस पर किसी किसान को दिक्कत ना हो। तो अभी आंदोलन ख़त्म ना समझा जाए? स्थगित है, ख़त्म होने का सवाल ही नहीं। आंदोलन अगर देश से ख़त्म हो जाएगा तो लोकतंत्र मर जाएगा, आंदोलन लोकतंत्र की जननी है। एक सवाल, तो आंदोलन तो खत्म हो ही नहीं सकता, उसको तो स्थगित किया गया, आगे फिर देखेंगे। जादव साहब, एक सवाल मुआवजे को लेके भी है कि मुआवजे को लेके क्या करेगी इसके? मुआवजे को लेकर के जो हमारी बातचीत हुई है, हर स्टेट को ये आदेश गए हैं सरकार के कि शहीदों के मुआवजे को दिया जाए। हम लोगों ने कहा था कि पंजाब वाला जो उदाहरण है उसको रख करके दिया जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पंजाब ने जो करेगा उसको हम लोग भी। आंदोलन सर खत्म हो गया, अभी कुछ और बाकी है? आंदोलन कहाँ खत्म हो गया, आंदोलन कभी खत्म होते हैं क्या? आंदोलन तो इस देश का प्राण है, आंदोलन से ही बना है, आंदोलन से ही वो प्रधानमंत्री नामक कुर्सी बनी है, और जो प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पर बैठे वो प्रधानमंत्री भी आंदोलनों से ही बने हैं। तो आंदोलन कभी खत्म नहीं होते, आंदोलन स्थगित होते हैं, आंदोलनों का स्वरूप बदलता है, आंदोलनों के नजरिया बदलते हैं, उसके संघर्ष का तरीका बदलता है, आंदोलन कभी खत्म नहीं होते। नहीं, हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं जो बॉर्डरों पर चल रहा था। हाँ, तो मैं भी किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ। अब क्या है कि 378 दिनों तक हमने यहाँ संघर्ष किया, और संघर्ष करके हमने यहाँ ने छोटी से छोटी चीज़ की ट्रेनिंग ली। कौन सी ट्रेनिंग? कि सरकार की हर एक चाल से हमको कैसे निपटना है, हर एक झूठ की काट को कैसे हमको एक नई उसमें बदलना है, हर एक षड्यंत्र से कैसा उसका पर्दाफाश करना, सब कुछ सीखा हमने। अब 378 दिन ट्रेनिंग हो गई, सरकार बैकफुट पर आ गई, अब हमने जो यहाँ सीखा अब हम सब लोग जाकर के पूरे देश का सफ़र करेंगे और लोगों को समझाएंगे आने वाले समय में। क्या सीखा आपने? हमने यहाँ से संघर्ष करना सीखा कि सरकार किस तरीके से तुम्हारे सामने षड्यंत्र रचती है, किस तरीके से चाले चलती है, किस तरीके से गुमराह करती है, इन सभी चीज़ों को आगे वो नहीं कर पाए। यही सारी चीज़ें उनको अनुभव साझा करने हैं, बताने हैं जाकर। लोग तो कह रहे हैं षड्यंत्र हो गया किसानों के साथ। कहाँ षड्यंत्र हो गया, षड्यंत्र पास हो गया, ये तो देश छोड़ो ये दुनिया ने जान लिया। MSP पे कानून क्यों नहीं आया? नहीं, कुछ जैन की वो तो है इसमें नहीं, कमजोरी है तो गुमराह कर दिए। देखो, एक साल भर हो लिया, इतना लंबा आंदोलन चला कर दी इतिहास में, तो नहीं चले जाके कुछ आराम पराम कर लेंगे, कुछ अपनी तंदुरुस्ती बना लेंगे, फिर कौन सा चले गए कहीं? फिर ऐसा कारवा जुड़ जाएगा क्या? कारवा इससे ठंडा जुड़ेगा? कारवे तो नहीं धुरता सा है आज तक, तो हम यूनियन में आ नहीं रहे भाई। सन 87 में जो है महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत का उदय हुआ था, एक किसान यूनियन के पहले। देखो, जब तक पहचान बनती है, पहचान बनाने के लिए तो जो है घने आदमी चार जी, पहचान बन जा फिर तो उसका केला शेर ही। हमने केला शेर नु देखा किसान यूनियन का सड़क के बीच में खड़ा होगा जब जो है वो झंडा लेके, और जो है निंगे भी जाम और निंगे भी जाम एक आदमी ने। टिकैत साहब क्यों नहीं है? टिकैत साहब का उनका फर्क आ रहा भाई नुन्नी है। अरे भले आदमी, ये तो आदमी का बड़प्पन है, जिस आदमी पर 1000 इल्जाम लगाने की कोशिश में फिरे है और उसने अपना जो है दूसरा आदमी भेज दिया, ये एक विश्वास की बात है। मान लिया टिकैत साहब ही हो जाते जी भी के जो है अपने आदमी जो कुछ कहेगा भेजे हैं वही तो बात कहेंगे वहां से। लेकिन योगेंद्र यादव पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ,